अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइटी। व्यापारियों की अपनी समस्या है और जिला प्रशासन की अपनी। व्यापारियों का साफ मत है कि 2 महीने हो गए, अब वे देखना चाहते हैं कि बंद दुकान की क्या हालत है। जिंदगी भर की मेहनत की कमाई कहीं चूहे और दीमक चट तो नहीं कर गए। इसके तसल्ली के लिए ही उन्हें कम से कम 4 घंटे की मोहलत दी जाए। 4 घंटे की मोहलत का श्रेय लेने की संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुटों में होड़ लगी है। तीसरे उभरते हुए संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आशु शर्मा ने आज चेतावनी देते हुए ज्ञापन दिया कि यदि 1 जून तक उन्हें दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन नहीं देती है तो वे 1,00,000 व्यापारियों की चाबी DM को सौंप देंगे। इस बीच नवीन गुप्ता गुट ने DM ऑफिस के बाहर 4 घंटे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। इससे पहले दोनों ही गुटों के साथ जिला प्रशासन ने नुमाइदो ADM सिटी और SP सिटी की बैठक में तय पाया था कि व्यापारियों को 4 घंटे की छूट दे दी जाएगी और शाम तक इसका रोस्टर भी जारी किया जाएगा, लेकिन शाम होते होते हालात और सुर दोनों बदल गए। ADM अजय तिवारी ने संघ अध्यक्षों को भेजे संदेश में कहा है कि ऐसा फिलहाल नहीं हो पाएगा। गुरुवार को लॉकडाउन के बाद इस पर विचार विमर्श के बाद ही बाजारों को खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस पर दोनों ही अध्यक्षों ने यह कहते हुए नाराजगी जताई है कि जब ADM सिटी अजय तिवारी और SP सिटी अखिलेश नारायण कोई निर्णय लेने के लिए समक्ष नहीं थे तो उन्हें व्यापारियों की बैठक में भेजा क्यों गया। संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता का कहना है कि भविष्य में यदि बैठक में ADM और सभी अफसर होंगे तभी वे मीटिंग में भाग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। आखिर जिला प्रशासन व्यापार संघ के बीच यह विरोधाभास और कथनी करनी में फर्क क्यों है? क्या दोनों का ही रवैया जिम्मेदाराना है या फिर बचपना? यह सवाल आज सभी पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, इस बारे में आज संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने फर्स्ट बाइट को बताया। लॉकडाउन के कारण मेरठ के व्यापारियों की दुकानें बंद है। हलवाई की दुकान के अंदर कीड़े चल रहे हैं, बेकरी की दुकान के अंदर कीड़े चल रहे हैं, कपड़ों में फफूंद लग चुकी है, चूहे उनको काट रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की थी कि हमें हमारी दुकान खोलने का मौका मिले। हमने ये घोषणा की थी कि अगर ईद के बाद हमें दुकानें खोलकर साफ सफाई करने का मौका नहीं दिया गया तो हम अपनी दुकान अपने आप खोल लेंगे, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने रविवार के दिन हमको अपनी वार्ता के लिए अपने निवास पर बुलाया, आमंत्रण दिया। निवास पर उन्होंने ये निर्णय दिया कि यहाँ लोगों को आप लोगों को दुकानें खोलकर साफ सफाई का मौका दिया जाएगा। 1 से 4 बजे तक का दोपहर का समय तय हुआ और उन्होंने ये भी गाइडलाइन दी थी कि ADM सिटी और SP सिटी कार्यवरत बनाकर आपको बता देंगे, लेकिन मंगलवार तक, सोमवार की रात तक उन्होंने नहीं बताया। सोमवार की रात को जिलाधिकारी ने अगले दिन 11 बजे बैठने का निर्णय किया। उस 11 बजे में हमारे द्वारा दिए गए कार्यवरत, जिसमें हमने थाना स्तर पर दुकानें खोलने की मांग की दुकानों की सफाई के लिए, जिस पर ADM सिटी ने और SP सिटी ने ये कहा कि इसको हम निर्णय कर लेते हैं थाना स्तर पर अथवा CO सर्किल आधार पर, ये आपको थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन जिलाधिकारी का आश्वासन भी बेकार गया। वहीं संयुक्त व्यापार संघ के स्वयंभू अध्यक्ष अजय गुप्ता का कहना है कि कोरोना के चलते हुए आज लगभग 70 दिनों से मेरठ का व्यापार बंद है और पिछले 22 तारीख से संयुक्त व्यापार संघ मेरठ लगातार जिला प्रशासन से इसकी मांग कर रहा है कि हमको हमारी बंद पड़ी दुकानों को खोलकर उनको चेक करने की हमको अनुमति प्रदान की जाए, और इसके पश्चात जैसे ही लॉकडाउन 31 तारीख को समाप्त हो, 1 जून से अगर लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ती है और हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार शुरू कर सकते हैं इसकी पॉलिसी जिला प्रशासन तैयार करके हमको दे दे ताकि हमारा व्यापार चल सके। इस संबंध में 22 तारीख से लगातार जिलाधिकारी से हमारी बैठक हुई और कल लगभग ये बैठक में सब चीज़ें बिंदु तय हुए, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से जिला प्रशासन ने उस अनुमति को स्थगित कर दिया। आज जो लोग, कुछ कथाकथित लोग
इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 23 तारीख को उन्होंने अपनी बैठक कर और ये चेतावनी शासन और प्रशासन को दी थी कि ईद के बाद अगर वो हमको अनुमति दुकानें खोलने की नहीं देंगे तो वह स्वयं अपनी दुकानें जाकर खोलेंगे और व्यापारियों से बाजार खोलकर का बाजार खुलवाएंगे, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई कि वो अपने उस बात को पूरा ना करके आज धरने पर बैठ गए हैं। इस शहर में धारा 144 लगी है, इस शहर में लॉकडाउन का समय तय है। संयुक्त व्यापार मंडल का ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया जाना था, लेकिन एडीएम सिटी अजय तिवारी को बुखार होने के कारण एसीएम को भेजा गया। ज्ञापन देने से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा, जिस तरह से लगभग 65-67 दिन से मेरठ जनपद के व्यापारियों ने लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए सरकार के और जिला प्रशासन के पूरे दिशा निर्देशों को माना है, और लगातार जिस तरह से व्यापारियों की दुकानों पर ताले लगे हुए हैं 65-67 दिन से, तमाम देनदारियां व्यापारियों के सिर पे हैं, अपने लेवर को भी तनख्वाह दे रहा है, बिजली के बिलों का भी भुगतान करता चला रहा है, तमाम चीजें व्यापारी समाज कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि 65-67 दिनों के अंदर दुकानों के अंदर रखा हुआ कच्चा माल और इसके अतिरिक्त बहुत सारी तमाम चीजें जो बर्बाद हो रही हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, चूहे काट रहे हैं, दीमकें नुकसान कर रही हैं, उनकी भरपाई जिला प्रशासन करेगा या सरकार करेगी, ये व्यापारियों को बता दें। आज हमने ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। हमारी मांग है कि दुकानों को अविलंब खोला जावे ताकि व्यापारी समाज के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही हैं, उनका निवारण हो पाए, और अगर जिला प्रशासन व्यापारियों की इन मांगों को नहीं सुनता, नहीं मदद करता व्यापारियों की, तो 1 तारीख के बाद रणनीति बना के पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल जिले के 1 लाख व्यापारियों की दुकानों की चाबी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जमा करा देगा। पूरी तैयारी आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद अब अपने सब पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे, और उसके बाद अगर ये 1 तारीख तक अपने बाजारों को हमारों को नहीं खोलता जिला प्रशासन, तो उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल अपनी दुकानों की चाबी जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करा देगा। जब हमारी दुकानें खुलने ही नहीं तो हम उन तालियों को क्या करेंगे, क्या जिलाधिकारी उन तालियों को ले लें और अपनी दुकानों को, हमारी दुकानों को हम जिलाधिकारी के हवाले कर देंगे। दुकान में चोरी हो गई है कुछ नहीं पता, दुकान के अंदर माल सुरक्षित है कुछ नहीं पता, अगर हम अपनी दुकानों का शटर खोल के अपनी दुकानों को देखने भी जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाए बस कि हमारा माल सुरक्षित है या नहीं है, उसके बाद भी पुलिस अपनी धार्मिकता दिखाते हुए चलान काट रही है दुकानदारों के, तो ये बिल्कुल हिटलर शाही रवैया है। तालिबानी शासन जिला मेरठ के प्रशासन ने दिखा रखा है अपना। जब पूरे शासन ने अपनी नीतियों को गलत मानते हुए व्यापारियों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया, और सरकार अपनी कमाई के सारे जरिए खोल रही है, शराब के ठेके खोल रखे हैं, उसके अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा? हम तो ये भी मांग कर चुके हैं कि आप रोस्टर जारी कर दीजिए, समय सारणी जारी कर दीजिए, समय के अनुसार व्यापारी अपनी दुकानें खोल लेगा, जो समय जिला प्रशासन तय करेगा आप दिन तय कर दीजिए, दिन के हिसाब से जिला प्रशासन के आदेश को व्यापारी मानने को तैयार है, परंतु अब खोलने का आदेश जिला प्रशासन जारी करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बांधे होंगे, और इसके अलावा जो हमारी दुकानों की तालियां हैं, अगर 1 तारीख तक जिला प्रशासन नहीं करता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल अपनी दुकानों की तालियां जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।